नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बात, यू नीड टू बी ग्रेट एट समथिंग, यू नीड टू बी बैड एट समथिंग। डिसाइड व्हाट यू टू बी बैड एट, अदरवाइज यू विल रिमेन द एवरेज। इसका मतलब क्या है? इट्स समथिंग रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लिमिटेशन ऑफ टाइम और द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी हमारे पास 24 घंटे टाइम होते हैं एक दिन में, सभी के पास होते हैं। एक एनर्जी जो होता है एक सर्टेन एक्सटेंट तक होते हैं, इनफाइनाइट नहीं होते हैं। फोकस जो होते हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसको एक्सपांड कर नहीं सकते। डेट बीइंग द केस, कुछ भी काम अगर हम करेंगे उसमें सर्टेन लिमिटेशंस होते हैं। यानी कि जो भी काम हम करते हैं, जनरली हम बहुत ही अच्छे होते हैं कुछ कामों में, कुछ कामों में एवरेज होते हैं एंड कुछ कामों में वेरी बैड होते हैं, यानी बहुत ही गंदे होते हैं। दैट मीन्स जनरल नोशन क्या होते हैं कि हम जो एवरेज होते हैं या जो खराब होते हैं उसमें हम ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा स्कूल में है, मान लीजिए वो मैथ्स में बहुत ही स्ट्रांग है, साइंस में बहुत ही अच्छे हैं, इंग्लिश में भी बेटर है, लेकिन हिंदी में बहुत ही पुअर है। हमारा अप्रोच क्या होता है कि बेटा तो या बेटी तो मैथ्स में बहुत बढ़िया है, साइंस में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हिंदी पुअर है। उसको हम क्या करते हैं, एक ट्यूशन देते हैं फॉर हिंदी, उसमें भी अगर कोई सुधार नहीं होता है तो और एक ट्यूशन देते हैं हिंदी के लिए। यानी हम उसको जो हिंदी में खराब है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए उसके ऊपर स्ट्रेस देते हैं। उस स्ट्रेस के चक्कर में उसका जो टाइम है, वो उसका जो स्पेशलाइजेशन है, दैट इज मैथ्स में साइंस में, उधर वो एनर्जी फोकस कर नहीं पाते। ये टू ए सर्टेन एक्सटेंट जरूरी है, कारण हर एक सब्जेक्ट में बच्चे को क्लियर करना होता है, देन एंड ओनली देन वो उसको नेक्स्ट क्लास में या हायर क्लासेस में अलाउ किए जाएंगे। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है उसका हिंदी को अच्छा इम्प्रूव करने के चक्कर में जो ऑलरेडी गुड है उसमें हम खराब कर देते हैं? जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन, हम सभी जानते हैं, हमारे भारत के बहुत ही विद्वान गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनके ये मैथमेटिक्स के पागलपन के लिए उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में कभी भी पास आउट नहीं होते थे? इसके लिए उनको कॉलेजेस में काफी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा एंड उसके कारण उनको हायर स्टडीज कर नहीं पाए थे, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट्स में क्लियर करना है, पास आउट होना है। लेकिन हमारा रामानुजन सर वो पागल थे मैथ्स के लिए, वो मैथ्स के लिए पागल थे, तभी उन्होंने इतिहास बनाया है, हिस्ट्री रचाया है मैथमेटिक्स में, जिनके काम आज भी दो जो स्पेशलिस्ट मैथमेटिशियंस से उनके थीसिस पे, उनके थ्योरी पे काम कर रहे हैं, काफी काम उसके ऊपर कर चुके हैं और अभी भी उनके ऊपर काम करना बाकी है। उन्होंने अगर अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में फोकस किए होते तो उनका जो मैथमेटिक्स है इनके ऊपर इतना ध्यान वो दे नहीं पाते और ये महान गणितज्ञ हो नहीं पाते। सिमिलरली हमारे जो डे टू डे लाइफ में हम
जनरली जिसमें हम पुअर होते हैं उस काम में हम ज्यादा इफोर्ट डालते हैं ताकि वो पुअर से एवरेज हो जाए एंड एवरेज से बेटर हो जाए। एंड उसी चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारा जो द बेस्ट है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है, रिसोर्सेस लिमिटेड है। एक दिन में 24 घंटा ही है, उस 24 घंटे में ही जो भी काम करना है। एंड जो हम पुअर होते हैं उस पुअर में काम करते करते हमारा जो फोकस है, जो द बेस्ट है, उसमें नहीं होते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम जो पुअर होते हैं उसमें इग्नोर करें? नो, हम जिस काम में पुअर होते हैं उसमें उस काम को हम डेलीगेट कर सकते हैं और किसी के पास, यानी और किसी को हम उसको रेस्पॉन्सिबल कर सकते हैं कि भाई तू ये मेरा काम कर ले। वो काम में और कोई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, तो जिनको उस काम में स्पेशलाइजेशन है जिसमें हमारा वीकनेस है, अगर हम उस काम को उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो काम में दैट पर्सन कैन एक्सेल, यानी वो काम भी हो जाएगा अच्छी तरह से, और हम अपना जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे, तभी जाके जो ग्रेट एरियाज है उसके ऊपर और भी इन्वेस्टमेंट कर सकते, टाइम एनर्जी एंड फोकस। ये जो छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात इसी के ऊपर है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस में हम बैड हैं और किस में हम ग्रेट हैं। जब तक हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा किस में हम बैड है एंड किस में हम ग्रेट है, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा किस काम को हम करेंगे और किस काम को हम छोड़ेंगे। इसके लिए ध्यान देना है कि हम किस में खराब हुए। एक बार अगर उस काम के ऊपर लिस्टिंग हो जाता है, उस सभी कामों को हम साइड में रख सकते हैं या और किसी को डेडिकेट कर सकते हैं कि भाई तू ये काम कर ले, ताकि जहां पे मैं ग्रेट हूं उसके ऊपर मैं फोकस कर पाऊं। आज का ये छोटी सी बात, अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।